कमांडेंट महोदय 3rd बटालियन श्री महेंद्र कुमार पीएमजी से गुजारिश करूंगा कि वे इस मुफ्त को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां इस शिविर में पधारे हैं। 3rd बटालियन जो कि बांदीपुरा में स्थित है के द्वारा नियमित रूप से हम लोग मेडिकल कैंप करते आ रहे हैं और आप शायद जान भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि काफ़ी समय से इन्हीं से शुरुआत पे बासा की थोड़ा थोड़ा पीछे को इसको रात को एक खाना खाने के बाद ये 10 दिन के बाद ये जमा सब खाना खाने के बाद मेडिकल कैंप की बहुत जरूरत है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में यहाँ से बहुत से कैंप किए आर्मी ने किए हैं और लोकल डॉक्टर यहाँ हमारी आयुष्मान भारत संत है उन्होंने भी यहाँ किया है, लेकिन हमें काफ़ी खुशी हुई है जब CRPF बटालियन ने यहाँ हमारे गांव में कैंप किया है। तो जब मैंने ये सुना है तो मुझे काफ़ी मसरत हुई, क्योंकि इस कैंप से आवाम को राहत पहुँचती है, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई छोटा हो जो भी कोई हो बीमार हो वो यहाँ आ सकते हैं और दवा ले सकते हैं। लेकिन देखो कोई इसी वक्त होता है कि कोई बीमार पड़ता है उसको बेचारे किराया भी नहीं होता है वहाँ जाने की, यहाँ अस्पताल में जाएगा तो डॉक्टर नहीं मिलता। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है, यहाँ हमारे साहिबान भी आए हैं, CEO साहब भी आया है, एजेंट साहब भी आया है और सब यहाँ लोग आए हैं। आज काफ़ी मसरत है कि यहाँ दवा ले रहे हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, आराम से लोग आ रहे हैं। और मैंने भी सुबह अनाउंसमेंट किया यहाँ एक दो जगह पर कि आप यहाँ आओ पंचायत घर में, और हमें आइंदा भी उम्मीद है कि आप आते रहेंगे चाहे 1 साल के बाद या 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, और हमारे गांव में ऐसा कैंप हो जाएगा जिससे हमें काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। बस देखिए आज हमारा ये 7वां कैंप है यहाँ पर बांदीपुरा के अंदर में, 3rd बटालियन के द्वारा 10 मेडिकल कैंप करने का आयोजन करने का हमें मिला है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी रिमोट एरियाज़ है वहाँ जाकर ज़रूरतमंद लोगों पर मेडिसिन वगैरह और ये फ्री मेडिसिन और जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी फ्री परामर्श प्रोवाइड कर सकें। आप रिस्पांस देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पिछले मैं 2-3 कैंप्स में देख रहा हूँ काफ़ी मात्रा में पब्लिक यहाँ आ रही है, बुजुर्ग हैं महिलाएँ हैं जो कि ये मेडिसिन और परामर्श का लाभ उठा पा रहे हैं। मैंने अभी पाया है यहाँ पर जैसे अभी शुरुआत में 2-3 जगह पे देखा, डायबिटिक भी देखे हैं मैंने, कोरोनरी हार्ट डिजीज वाले भी देखे हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स देखे हैं जिनको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो महिला डॉक्टर्स वगैरह बताएंगे कि और किस प्रकार की बीमारियाँ हैं। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सभी प्रकार की जो मेडिसिन है वो यहाँ पर ला के प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में हम यह भी करते हैं कि मददगार के माध्यम से अगर किसी को रेगुलर मेडिसिन चाहिए होती है कि जो 3 महीना 6 महीना उनको भी हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं मददगार की तरफ से।